नमस्कार, मैं हूं विश्वेश तिवारी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ओनली न्यूज नेशन पर। बड़ी खबर चीन से जुड़ी हुई आ रही है। जी हां, चीन के ऊपर भारत ने एक ऐसा एक्शन लिया है, एक ऐसा कदम उठाया है जिससे अब चीन का रुख कांपने लगा है। चीन के अंदर भगदड़ मच गई है और पूरे चीन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर भारत ये क्या कर रहा है, क्या चीन का खात्मे का समय आ गया है? क्योंकि ये वही चीन है जिसने भारत जैसे तमाम देश, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, ऐसे तमाम देशों को, जापान जैसे देशों को आंख दिखाई है, जिसने अपनी नापाक हरकतों से इन देशों को गुस्सा दिला दिया है। और अब ऐसे में इन देशों के साथ मिलकर भारत ने ये जो एक्शन लिया है, इस एक्शन से चीन की कमर टूटने लग गई है और चीन के अंदर भगदड़ मच गई है। भारत ने ऐसा क्या कर दिया इन देशों के साथ मिलकर, आज हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे, हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, मगर उससे पहले आपको पूरा का पूरा मामला बताएंगे। भारत ने सिंगापुर के साथ बंगाल की खाड़ी में सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज बुधवार से शुरू कर दी है। साल खत्म होते होते दुनिया क्वाड देशों का दम देखेगी और यही दमखम, क्वाड के इसी दमखम से चीन में भगदड़ मची हुई है। फिर चाहे वह मालाबार नेवल एक्सरसाइज हो या ऑस्ट्रेलिया और तीन आसियन देशों संग इन्फेंट्री युद्धाभ्यास, चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास भारत और अमेरिका दुर्गम इलाकों में युद्ध का अभ्यास करेंगे। 8 से 18 नवंबर के बीच मालाबार एक्सरसाइज होनी है। जापान के योकुसाका में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर जुटने लगे हैं। इन क्वाड देशों ने चीन के विस्तारवादी रुख को देखते हुए हिंद प्रशांत में किसी जबरदस्ती का जवाब देने की अब ठान ली है, कमर कस ली है। इधर हिंद प्रशांत में क्वाड का दम दिखेगा। जी हां, उधर उन महाशक्तियों की यारी से चीन का खून जलने लगा है। क्वाड देश साफ कर चुके हैं कि वे चीन की बेजा हरकत को मिलकर जवाब देंगे। इस भागीदारी में ऑकस भी शामिल है। यह अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया का समूह है जो कैनबरा को परमाणु पनडुब्बियां हासिल करने में मदद के लिए बना हुआ है। तो अब आप जरा सोचिए कि चीन के ऊपर भारत ने कैसे चौतरफा हमला किया है और ये एक्शन चीन के लिए कितना बड़ा सरदर्द है। चलिए आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे थल जल कोई भी जगह हो, भारत इन सभी जगहों से अब चीन को एक मुंहतोड़ जवाब देगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि भारत और इन तमाम देशों का एक साथ जो ये एक्शन है, ये जो युद्धाभ्यास है जिससे चीन की हालत खराब हो रही है, इस पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाहिर जरूर करिएगा। बता दें कि थल हो या जल, भारत युद्ध के लिए पूरा तैयार है। मलाबार एक्सरसाइज में मल्टी रोज स्टिल्थ फ्रिगट INS शिवालिक, एंटी सबमरीन कॉर्वेट INS कोमोटा और एक P-81 लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। अमेरिका के साथ जमीन पर युद्धाभ्यास के लिए भी भारत अपना कमर कस चुका है। बटालियन स्तर का युद्धाभ्यास उत्तराखंड के औली में 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच जारी होगा। यह जगह चीन से लगती LAC से मात्र 100 किलोमीटर ही दूर है। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे चीन से मात्र 100 किलोमीटर दूर अगर भारत और अमेरिका जैसे खतरनाक देश, इतने बड़े देश, इतने शक्तिशाली देश एक साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा और चीन के लिए ये कितना बड़ा सरदर्द होगा। एक अधिकारी ने कहा है कि युद्धाभ्यास में दोनों ओर से करीब 350 सैनिक रहेंगे। पहाड़ों और बेहद ठंडे वातावरण में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को परखा भी जाएगा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के साथ धीरे धीरे ही सही भारत रक्षा संबंध मजबूत कर रहा है। जी हां, दोनों देशों की सेनाएं 18 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच पहली ऑस्ट्रा-हिन इन्फेंट्री कॉम्बैट एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगी। सेना के एक अन्य अधिकारी ने भी इस बात पर अपना प्रतिक्रिया जाहिर किया है और कहा है कि इससे सेमी डेजर्ट टेरन में साथ ऑपरेट करने की क्षमता बढ़ेगी। वहीं हमारे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने क्वाड देशों के साथ कई बड़े अभ्यास की योजनाएं तैयार कर ली हैं। इनमें जापान से दूर मालाबार अभ्यास, ऑस्ट्रेलिया समेत तीन आसियान देशों के साथ अभ्यास और चीन के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के समीप अमेरिका के साथ ऊंचाई पर सैन्य अभ्यास शामिल है।
इन सभी अभ्यास का मात्र एक ही मकसद है, चीन को उसकी औकात याद दिलाना। वहीं 8 से 18 नवंबर के बीच होने वाले मलाबार अभ्यास के लिए क्वाड देश यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ तैयार है। इधर भारत INS शिवालिक, एंटी सबमरीन कॉर्वेट INS कामरोता और एक P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भेज रहा है। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ भी अभ्यास के लिए पूरा तैयार है। खबर है कि भारत और अमेरिका के बीच 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच बटालियन स्तर का युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली में होगा। खास बात है इसमें कि यह LAC से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जो हमने आपको पहले ही बताया। इससे समझ सकते हैं आप कि यह चीन के लिए कितना बड़ा सिरदर्द है। ऑस्ट्रेलिया और भारत भी आपस में सैन्य संबंध मजबूत करने में जुट गए हैं। सेनाएं पहली बार 28 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अपना अभ्यास करेंगी। इसके साथ ही बांग्लादेश में चीन के शीर्ष राजनयिक ली जिमिंग का एक ऐसा बयान आया है जिससे चीन के अंदर का डर इन अभ्यासों से साफ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये वही चीन है जिसने भारत को अक्सर उल्टा जवाब दिया है। लेकिन इस बीच बांग्लादेश में चीन के शीर्ष राजनयिक ली जिनमिंग ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से भारत के बहुत बड़े प्रशंसक है। अब आप जरा सोचिए कि ये उस व्यक्ति का बयान है जो कि हमारे दुश्मन देश चीन का राजनयिक है। ऐसे में उन्हें लगता है कि भारत और चीन आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दों को हल करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। चीनी राजदूत ने ढाका में कहा कि चीन की भारत के साथ कोई रणनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं है, वह बंगाल की खाड़ी को भारी हथियारों से लैस नहीं देखना चाहता है। आपको बता दें कि चीनी दूत यह टिप्पणी तब कर रहे हैं जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में चीनी राजदूत सुन वेदांग के साथ भारत चीन संबंधों पर एक कड़ी टिप्पणी की है और उन्होंने साफ समझाया था कि अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत उसको उसी के तरीके से जवाब देगा। अपनी विदाई भाषण में सन वेडांग ने कहा कि भारत और चीन के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, उन्हें सामान्य आधार की तलाश करनी चाहिए और अपने संबंधों को असहमति से परिभाषित नहीं होने देना चाहिए। चीन और भारत के एक साथ विकसित होने के लिए दुनिया में पर्याप्त जगह है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि दोनों पक्षों को मतभेद को खत्म करने और इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। भारत चीन को बातचीत और परामर्श के माध्यम से एक उचित समाधान की तलाश करनी चाहिए। वहीं एस जयशंकर ने कहा था कि भारत चीन संबंधों का सामान्य होना दोनों देशों के हित में है। ऐसे में अगर चीन चाहता है कि भारत के साथ उसके संबंध सामान्य हो तो वो आतंकियों का मददगार कम बने, आतंकियों की मदद करना छोड़ दे और इसके साथ ही देश और दुनिया में आतंक फैलाना कम कर दे। लेकिन इस बीच जिस तरीके से चीन जो लगातार भारत को लेकर हमलावर रहता था, लगातार भारत को आंख दिखाता रहता था, अब चीन के राजनयिक और चीन के राजदूत का ऐसा बदला बयान आना एक बात साफ जाहिर कर रहा है कि भारत का इतने सारे देशों के साथ मिलकर LAC से इंडो पैसिफिक तक का ये युद्ध अभ्यास चीन के लिए डर बन चुका है और चीन की रूह कांप रही है इस युद्ध अभ्यास से। तभी तो चीन अपनी बातों से पलट रहा है और चीन अब भारत के साथ मीठी चुपड़ी बातें करके भारत को अपने साथ लाना चाहता है। इस पूरे खबर पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इस खबर को जितना ज्यादा हो पाए उतना ज्यादा शेयर करेगा ताकि चीन के ऊपर जो भारत का ये एक्शन शुरू हुआ है इस पर सभी लोग देख पाएं और अपनी प्रतिक्रिया दे पाएं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।